What's up everyone, it's your boy Abhi the Snow Cruiser back with new video darling, Radhe Radhe to everyone. So caption तो आप सब लोगों ने पढ़ी लिया होगा, तभी तो यहाँ तक आए हो. जी हाँ, मैं आया हूँ वृंदावन, हिंदुस्तान की सबसे मशहूर होली देखने और आप सबको दिखाने, वृंदावन ब्रिजवासी बन के घूमने के लिए. यहाँ पे अलग ही वाइब्स है यार, अलग ही वाइब्स, मतलब लाखों लाख की भीड़ है. अभी फिलहाल तो मैं होटल में हूँ, अभी इट्स नून आफ्टरनून और अभी मैं थोड़े विद इन 5 मिनट्स मैं यहाँ से निकल जाऊँगा. काफ़ी एक्साइटमेंट सी है वहाँ जाने की, क्योंकि आज बांके बिहारी मंदिर में चल रही है वृंदावन में, और वहाँ जाने की एक्साइटमेंट तो भाई किसे किसको नहीं होगी. सो अभी मैं हूँ होटल श्री जी इन में और यहाँ से निकलूँगा, यहाँ से या तो ऑटो लूँगा या तो बाय वॉक जाऊँगा. वैसे तो सभी जा रहे हैं, मैंने देखा है बिना चप्पल या शूज़ के, सो दैट्स वाई मैंने भी शूज़ वगैरह नहीं पहने, चप्पल वगैरह नहीं पहनी. सो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं बाहर, ब्रिजवासी बन के घूमते हैं वृंदावन में. सो मिलते हैं आप होटल के बाहर. सो हियर आई एम आउट ऑन स्ट्रीट, मैं जा रहा हूँ वृंदावन टेम्पल की ओर, और भाई भीड़ देख लो कितनी है, बहुत 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 भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा. और यहाँ से 5 किलोमीटर है, फोटो क्या ही करना, पैदल चलते हैं घूमते घूमते, और विद इन 20 to 30 मिनट वापस पहुँच जाएंगे. सो मिलते हैं आप टेम्पल में. वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी. मेरे उठे विरह में पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी उठे विरह में पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी. यहाँ तो लाखों की भीड़ हो रखी है, लाखों की. इतनी मैंने सोची नहीं थी कि इतने बंदे होंगे, लास्ट टाइम जब आया तब इतने बंदे नहीं थे. वैसे तब होली भी नहीं थी पर इतने बंदे थे, इतना होली भी है काफ़ी. जा रहे हैं लोग होली खेल, कुछ खेल के आ रहे हैं, कुछ खेलने जा रहे हैं अभी, और हम भी अभी जा ही रहे हैं, तो चलते हैं थोड़ी सी आगे. So I also bought this Turki thing and अभी मुझे टेम्पल का पता नहीं चल रहा है कितनी दूर है, लेकिन सब लोगों के पीछे पीछे चल रहा हूँ, थोड़ी देर तक पहुँच भी जाऊँगा. आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे आए हैं ग्रुप्स वगैरह एंड मैं सोलो ही चल रहा हूँ, और ये भी नहीं लगा किस पे कलर फेंकूँ और किस पे नहीं, दैट वे मैं पकड़ के ही चल रहा हूँ अभी तक. ये सुबह से कलर उड़ रहा है और आप देख सकते हो, ये देखो नीचे पूरे कलर की लेयर बन गई है सड़क के ऊपर, एंड चेक इट आउट. हरी सखियों देखो, नंदगाम ते कन्हैया अपने सखान के संग होरी खेलन आयो है, आज आपको अच्छी तरह मजा चखाए दो. ओ आयो नंदगाम ते होरी खेलन, नटवर नंद किशोर. हाँ नटवर नंद किशोर, आयो छलिया माखन चोर. हाँ किशोर, किशोर
मांग बेढब मन माने, ओ बने सखा। तो वो मेरे साथ कोई है तो है नहीं कि मैं कलर पेंटिंग यहाँ कुछ करूँ, तो दैट्स व्हाई मैं तब से मेरी सिक्स था और मैं बच्चों को देख जा रहा हूँ ले लेके कि वो रंग उड़ाई जाऊँ तुम तो लोग मुझे, हम देखेंगे बस इतने में संतुष्टि है। मिलते हैं थोड़ी देर में। ब्रज की होली ब्रज की है, यूँ लाखों लोग गलियाँ गली गली में ढोल के एक दूसरे पे रंग फेंक रहे हैं। ये तो वृंदावन में देखने को इकट्ठा हो गई, मतलब किसी को कोई नहीं है कि कोई ये जानता नहीं है, एक दूसरे पे रंग फेंक रहे हैं, इतना मजा ले रहे हैं। वृंदावन वृंदावन नहीं है भाई, मतलब थोड़ी देर में भाई तुम्हारा भाई आ गया वापस रूम में। एक तो भाई क्या ही मजा आया भाई यहाँ पे, मतलब पूरे ऐसे वृंदावन में ऐसे गोल गोल घूम के होली मना रहे थे और भाई नेक्स्ट लेवल वाइब्स थी। मैं तीन बार घूमा और लिटरली हालत टाइट हो गई। पहले मैं आपको ना रूम दिखाता हूँ, ये देख लो रूम का क्या हाल हुआ था। ये बैग खुला पड़ा है, उधर कपड़े पड़े हैं, ये देखो ये खलार बन रखा है यहाँ पे सारा। और एक चीज दिखाऊं, रुको ये मैंने ऐसे बना रखा है जैसे मेरा रूम मेरे घर का वॉशरूम होता है। और भाई हालत होगी टाइट, अभी दिखाता हूँ मेरे पैर, देखो भाई ये हालत हो रखी है पैरों की। मैं सीरियसली मेरे हिसाब से तीन राउंड मारे पूरे पूरे, तीन बार घूमा मैं उनके साथ, तीन बार घूम के उसके बाद वापस आया। फिर मैं ना मैंने लगा ना चल वापस चलते हैं, रात को आऊँगा प्रेम मंदिर। तो भाई प्रेम मंदिर क्या जाना, बुरी हालत हो गई। जो वापस पहुँचने जब तक पहुँचा ना, ऊपर से तो भाई पुलिस वालों ने ऑटो बंद कर दिए। यहाँ मैं रुका हूँ पानी गाँव ऑटो कोई नहीं आ रहा। मेरी हालत टाइट,
बहुत बुरा हुआ भाई आज तुम्हारे भाई के साथ। और वैसे भाई जो मज़ा आया ना, आई कांट एक्सप्लेन यू ब्रो। मतलब सिर्फ किसी न किसी पे रंग पे डाली जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, नाची जा रहे हैं, बस यही चल रहा था। और कोई नोन नहीं, पहले तो मैं थोड़ी देर ऐसा था कि यार मैं किसी को जानता नहीं, ऐसे क्या किसी पे रंग डालना, तो बस रंग लेके बच्चों को दे जा रहा था। उसके बाद ना जब देखा लोग मेरे पे भी डाल रहे हैं, तो एक लड़की ने तो भाई कान में घुसा दिया कलर, यहाँ वो बड़ी मुश्किल से निकाला था, सुनाई भी नहीं दे रहा था इस कान से जब मैं वापस आ रहा था। तो इसी वजह से ना मेरे पेन होना शुरू हो गई थी, मैं वीडियो भी कोई नहीं बनाई। मेरे इस कान में उसने अंदर तक घुसा दिया कलर, मतलब ऐसे करके रगड़ रगड़ के लगाया उसने। और फिर जैसे ही उस पेन की वजह से मैं वापस आ गया, फिर जैसे लोग मेरे ऊपर डालने लगे ना, फिर मैं भी हो गया सीधा। मैं कहा जब सारे डाल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ। फिर तुम्हारे भाई ने भी खुल के पूरा एंजॉय किया, फिर मैंने दो राउंड और मारे इसी चक्कर में कि अब तो मना ही रहे हैं तो अब खुले दिल से मनाते हैं, तो दो राउंड और मारे। और भाई ये देखो, एक तो व्यू बड़ा प्यारा हो रखा है ना, सेक्सी व्यू हो रखा है। वो बिल्डिंग बन रही है एक सामने ना, वो देखो, वो दिखाता हूँ, वो देखो ये बिल्डिंग बन रही है भाई, तगड़ी बनेगी, तगड़ी बिल्डिंग बनेगी। बट भाई साहब क्या पुलिस वालों ने क्या कंट्रोल रखा ना आज, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ा कंट्रोल रखा हुआ था पुलिस वालों ने, मज़ा आ गया। बाकी सो अब हम कल करेंगे एक्सप्लोर, आज तो मनाई होली, कल करेंगे एक्सप्लोर। सबसे पहले जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हो तो वो सबसे पहले आपको क्या बताएगा, अपने बचपन की बातें। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से, मथुरा गोकुल, उस वो एरिया कल हम कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वो सब देखने के लिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। और नई नई वीडियो तुम्हारा भाई लाता रहता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को बजा लेना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वृंदावन की गलियों में मथुरा घूमेंगे, गोवर्धन जाएंगे और सब कुछ बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।